डीपॉक सिटी के नाम से फेमस है ये जगह। तो एयरपोर्ट से आप किस तरह से जा सकते हैं होटल अपने, और किस तरह से आप इजीली पहुंच सकते हैं? जी जनाब, तो मैं इस टाइम आया हूँ सिम ख़रीदने यहाँ की। कल मैं सिम लेना भूल गया था अपना एयरपोर्ट से। जी जनाब, तो सिम मैंने बाय कर ली है यहाँ की, एक सिम्पति सिम टेलीकॉम। तो ये सिम मुझे पड़ी है 87,000 रुपये इंडोनेशियन में। अब होटल में आ गए हैं। एक विलेज टाइप का एरिया है यहाँ का, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे हम आए हैं, खाना वगैरह खाया, यहाँ का लोकल फूड चावल और ब्रोस्ट वगैरह थे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जनाब। तो चेकआउट कर दिया है मैंने आज होटल अपना, ये डीपॉक सिटी में था मेरा होटल ओयो। ओयो यहाँ की एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है ओयो के नाम से, और booking.com पे भी ओयो के आपको मिल जाएंगे अपना क्या कहते हैं होटल्स वगैरह। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओयो के होटल और बहुत सस्ते और चीप रेट में आपको मिलेंगे। लास्ट जो मैंने होटल बुक किया था $9 में बुक किया था, तकरीबन यहाँ की करेंसी 1,20,000 रुपये बनते हैं। तो ज़बरदस्त था होटल, रूम कंफर्टेबल था, ज़बरदस्त मज़ा आया। और ये विलेज टाइप का एरिया है तो बड़ा अच्छा लगा, हमें एक्सप्लोर किया। जस्ट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, फूड जो कि पाकिस्तानी फूड्स स्पेशली जो हमें मुश्किल मिलता है यहाँ पे, वो नहीं मिला। बाकी हर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ की सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ ग्रैब है। ग्रैब में आप इजीली कहीं भी जा सकते हैं। तो अभी मैंने ग्रैब बुक की है और अब मैं जा रहा हूँ बोगोर सिटी। बोगोर, ठीक है, बोगोर हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे बोगोर सिटी को एक्सप्लोर करने की आज। तो बोगोर बहुत बड़ा एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे समझ लेंगे माउंटेन एरिया है, खूबसूरती विलेज टाइप के एरिया है। तो देखते हैं बोगोर सिटी जाके कैसा है। और लेकिन एक बात बता दूं, अगर आप बोगोर जाते हैं बाय ग्रेब तो होटल से महंगा फेयर है, तकरीबन ये पाकिस्तानी 1800 से 2000 रुपया रेंट इसका बन जाता है, ठीक है, यहाँ से बोगोर तक, यहाँ से मैं जा रहा हूँ डीपॉक से। तो ग्रेब दूर भी जाती है, यहाँ पे मसला नहीं है, किसी भी सिटी आप जा सकते, लेकिन किराया भी ज़्यादा बनेगा। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट से आया था तो 3 लाख रुपये देने पड़े थे मुझे यहाँ के, तकरीबन 3300 रुपये पाकिस्तानी। तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है ग्रैब, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो, अगर नज़दीक जाएंगे तो फिर सस्ती पड़ेगी, जैसे कि पाकिस्तान में 300-500 रुपये पाकिस्तानी। तो बहरहाल अच्छा सफ़र गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जा रहे हैं बोगोर, और बोगोर पहुँचते हैं और देखते हैं रास्ते के व्यू कैसे व्यू हैं यहाँ के, वो भी आपको दिखाता हूँ। करेंसी का प्रॉब्लम है मुझे, यहाँ करेंसी ख़त्म हो चुकी है, तो अब करेंसी चेंजर भी जाना है, देखते हैं करेंसी चेंजर में क्या रेट मिलता है यहाँ। मास्टर कार्ड था मेरे पास, आई डोंट नो, मैंने शायद एक्टिव नहीं कराया इंटरनेशनली, वैसे यूज़ हो रहा है, एक मतलब टिकट्स वगैरह बुक किए हैं, लेकिन ATM पे यूज़ नहीं हुआ इस दफ़ा। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. जी जनाब, तो करेंसी मैंने चेंज करवा ली है मलाइशिया से। मैंने 305 रिंगिट के तकरीबन 10 लाख रुपए इंडोनेशियन लिए थे, और यहाँ पे मुझे सेम 305 रुपए के 6,000 रुपए कम दिए मुझे वहाँ से, मलाइशिया से भी। तो यहाँ थोड़ा महंगा है करेंसी चेंजर यहाँ पे, मैं भी किसी और में जाते तो कम मिल जाता, लेकिन हम एक ही में गए, टाइम नहीं था। हम रास्ते में जा रहे हैं, टैक्सी के पैसे भी पूरे नहीं थे, होटल के भी नहीं थे, लिहाजा मुझे लेने पड़े। तो करेंसी चेंज कर ली है, और करेंसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे जाके कि यहाँ की करेंसी को समझने के लिए क्या क्या करना होगा आपको। फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे आप, करेंसी के मैटर को आपको समझना ज़रूरी है।
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. मैं पहुंच गया हूं और ये 180,000 रुपए बन गए यहां पहुंचने पहुंचने तक भाई मैंने पेमेंट कर दी है अपने होटल की और अब मैं अपने रूम में जा रहा हूं तो ये जबरदस्त व्यू है जनाब ये रूम है हमारा भाई रूम बिल्कुल उसी तरह है छोटा सा लेकिन ये कि गुजारा होगा अपना Don't worry, गुजारा करना है नहाने की जगह भी इधर ही है ओह भाई ये है तो छोटा बस ये कि विलेज टाइप है टीवी लगा हुआ ऐसी चल रहा है खुशबू है तो हम चेंज करते हैं थोड़ा सामान वगैरह रखते हैं फिर आपको बाहर एक्सप्लोर करवाता हूं जगह हां भाई मैं निकला हूं अपने हॉस्टल से गांव को एक्सप्लोर करने ये विलेज है जहां पे मेरा गेस्ट होटल है या गेस्ट हाउस कह सकते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त डेवलप विलेज है आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है रोड्स साथ में पानी आसपास का मंजर बड़ा ही खूबसूरत है बड़ा मजा आ रहा है तो एक्सप्लोर करते हैं पूरा विलेज देखते हैं क्या-क्या है यहां पे फेमस ये देखें बच्चे यहां के खेल रहे हैं सामने छोटे-छोटे बच्चे नहा रहे हैं देखें छोटे-छोटे बच्चे और भाई हम आए यहां पे लंच करने यहां का एक छोटा सा रेस्टोरेंट है देखते हैं यहां पे क्या है लंच करने के लिए काफी सारी डिशेस पड़ी हुई हैं यहां पे तो लंच करेंगे यहां पे हाय हाउ आर यू अस्सलाम वालेकुम यहां पे थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है इंग्लिश लोगों को नहीं आती बाकी इनको बहुत अच्छे लोग हैं यहां के तो देखते हैं यहां पे खाने के लिए क्या है खाते हैं फिर आपसे बात करते हैं भाई यहां पे जो है ना रोटी का बड़ा मसला है तो यहां पे ब्रोस्ट और इस तरह के सादे चावल और गोश्त वगैरह आपको मिलेगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी यहां पे थोड़ा आपको इशू रहेगा गुजारा करना पड़ता है क्या करें ये ठंडा थोड़ा पवन नहीं है चावल गरम है पानी गया अरे ग्राउंड में दिया हुआ काम है आप सबको ये नहीं लगता खाना खाते हैं उसके बाद फिर आपको गांव घुमाते हैं बड़ी भूख लगी हुई है भाई नाश्ता भी समझो नहीं किया तो सुबह से
भाई खाना मैंने खा लिया जनाब, तो खाना तो ज़बरदस्त था, चावल थे साथ में, ब्रोस्ट चिकन वगैरह हमने खाया, अंडा, लेकिन बिल सही ठीक ठाक हमारा बना दिया, तकरीबन 80,000 रुपया ले लिया हमसे भाई। गांव का रेस्टोरेंट सा ढाबा था, एक छोटा सा ढाबा था गांव का, 80,000 रुपये का बिल बना है, जो पाकिस्तानी आइडिया कर लें तकरीबन आप 700 से 800 रुपये बनते हैं, लेकिन ठीक है कोई मसला नहीं, गांव में इसी तरह ही होता है। बाकी बड़ा ज़बरदस्त जगह है, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप जब भी आएँ जकार्ता में, तो कुछ ख़ास नहीं है सिटी के अंदर, सिर्फ शॉपिंग मॉल वगैरह या आप कोई म्यूज़ियम है बस। बिगोर सिटी आपको ज़बरदस्त है, विज़िट करें, बिल्कुल करीब है ये, तो छोटा सा एक विलेज है, इसके अलावा भी बड़ी खूबसूरत जगह है, जंगल ट्रैक है, और उसके अलावा यहाँ पे एक मतलब सफारी भी है जहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो हम बहादुर भाई से पूछता हूँ, भाई कैसी है जगह ये बताओ। माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत है, ये मानो ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे हम स्पेशली मरी आए हो, और यहाँ के लोकेशन, यहाँ के रोड, यहाँ की ग्रीनरी, और यहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त, और बाहर जैसा मौसम, ऐसा मौसम बिल्कुल दिल को ये बाहर आए ये मौसम, तो बादल भी है, बारिश भी है, और देखते हैं गांव आप यहाँ का कैसी कैसी जगह है। यहाँ पे दरख्त काफ़ी हैं, सामने आप देखें ये आपको जो दरख्त नज़र आ रहे हैं लीची वगैरह के दरख्त हैं, अमरूद भी काफ़ी है यहाँ पे, लीची भी काफ़ी है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे आपको फ्रूट मिलेंगे यहाँ पे, और साथ ये चलती हुई छोटी सी नहर, और नहर के साथ छोटा सा रोड, तो मज़ा आ गया। ऐसी जगहों पर इंसान जाए, क्योंकि ऐसी जगहों पे जा के इंसान बहुत फ्रेश हो जाता है, तो स्पेशली आप जब भी किसी भी जगह सिटी एक्सप्लोर करें तो कोशिश करें गांव वगैरह फाइंड करें, विलेज वगैरह, विलेज में आपको बड़ा पुरसकून माहौल मिलेगा। तो यकीन करें ये अपना पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कश्मीर है, कश्मीर की तरह वादियाँ हैं, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत जगहें, और बड़े ब्यूटीफुल घर बने हुए हैं, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे घर बने हुए हैं, तो मज़ा आ रहा है, मैं भी आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ सारा भाई। तो गांव का बड़ा ही मज़ा है जनाब, ये है छोटी सी मस्जिद गांव की, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ेंगे और आगे फिर चलेंगे। ये सारा गांव है, सामने देखें आप घर, बाइक्स, ये मस्जिद है, सामने भी सारा घर वगैरह, ये गांव है छोटा सा, नाम मुझे नहीं पता गांव का, बाकी ये मस्जिद का नाम है अल इखलास, अल इखलास मस्जिद है जनाब, यहाँ पे हम पढ़ेंगे नमाज और उसके बाद आगे जाएंगे। तो यकीन करें इतनी खूबसूरत जगह है कि दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ से मैं जाऊँ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आगे भी दिखाता हूँ आपको। भाई नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं आगे नहीं जा रहा, दरअसल टाइम शाम का हो चुका है, शाम तो नहीं है लेकिन अभी यहाँ 4 बज रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि मगरिब हो चुकी है, यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, बारिश का भी मौसम बना हुआ है, किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। और दूसरा यहाँ पे ना, अगर आप विलेज टाइप किसी भी जगह जाते हैं बाइक या फिर आपके साइकिल होनी चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे साइकिल या बाइक मिलती है तो सुबह मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा, जगह बहुत ही खूबसूरत है और मेरे ख़्याल में यहाँ पे 2 से 3 दिन गुजारने चाहिए अगर एक्सप्लोर करना है। बहरहाल हम तो आज के एक ही दिन के लिए यहाँ एक नाइट गुजारेंगे, कल इंशाल्लाह वापसी हम सिटी जाएंगे और उसके अगले दिन हमारी वापसी हो जाएगी। तो अदरवाइज़ बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है, ये देखें घने जंगलात हैं, उसके अलावा यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, बहरहाल ये कि मज़ा आ रहा है। तो विलेज और इस तरह के बिगोर, ख़ास तो बिगोर सिटी के पास के एरिया है बिगोर, बिगोर जकार्ता से तकरीबन है 20 से तकरीबन 40-50 किलोमीटर दूर है, तो ये सिटी आपको एक्सप्लोर करना है तो आप 40-50 किलोमीटर चल कर आएँ, बाय ग्रैब आ सकते हैं, बाय बस भी आ सकते हैं, इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। तो लेकिन यह है कि ऐसी जगहों पे आपके पास कम से कम अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल होनी चाहिए तो फिर मज़ा आएगा। तो मैं पता करूंगा अगर मुझे मिल जाती है होटल से रेंट पे तो मैं वो ज़रूर लूंगा, और सुबह इसको एक्सप्लोर करना है इस जगह को, ताकि
जो पैसे खर्च किए वो बेकार ना जाएं। भाई लोग हम इधर ढाबे पे आए चाय पीने, देखते हैं कि यहाँ पे टी सुसु कहते हैं, यहाँ पे दूध को कहते हैं सुसु, टी माने चाय। देखते हैं यहाँ की चाय कैसी है। सर में दर्द हो रहा है, चाय की बड़ी तलब हो रही थी। देखते हैं चाय पीते हैं, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, तो चाय पी के फिर आगे अपने होटल की तरफ जाएंगे। बारिश हो चुकी है बहुत तेज़, और बहुत ही तेज़ हो चुकी है। अब मेरे ख्याल में होटल पहुंचना मुश्किल नहीं है, छतरी वगैरह मेरी रह गई है होटल में, छतरी लाना भूल गए थे, तो अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ढाबे पे चाय पियेंगे उसके बाद जाएंगे। ये देखें बारिश का मंजर, ये है ढाबा, छोटा सा ढाबा है। ये लेडीज हमारी चाय बना रही है यहाँ पे। हाँ भाई वादुर भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? भाई ये हम चाय पी रहे हैं यहाँ की, तो चाय पियेंगे उसके बाद जाएंगे आगे। मज़ा आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो चुका है। ओ ये भी ले, ये भी ले, एक एक ले ले, कोई मसला नहीं, लाखों रुपए हैं जेब में, टेंशन नहीं ले भाई। चाय पी रहे हैं, बारिश का मौसम है, मज़ा आ रहा है। और यकीन करें कि मेरे ख्याल में इंडोनेशिया का जो ट्रिप है ना, किसी जगह के लिए था। ये जगह देख लिए, पैसे पूरे हो गए। तो ये और बाकी ये हमारे को दिया है खाने के लिए, पता नहीं ये क्या चीज़ है, मैं ट्राई करने लगा हूँ इसको, और आपके साथ बात भी करता हूँ थोड़ी थोड़ी। ये सब्जी का कुछ बना हुआ है, आधा आधा खाएंगे। हाँ तो चेक करो यार, बड़ा टेस्टी है। भाई लोग तो हॉस्टल पहुंच गए हैं वापस, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पहुँचे। तो भीग चुके हैं, देखें शर्ट्स वगैरह भीग चुकी है, लेकिन यह कि हल्की बारिश थी इसलिए थोड़ा सा पहुँच गए, वरना तो तेज़ बारिश में आना बड़ा मुश्किल हो गया था। असल में हमारे पास अम्ब्रेला वगैरह था, छतरी थी हमारे पास, लेकिन बैग में रह गई थी, हमें आइडिया नहीं था बारिश का, अचानक से बादल आए और बारिश हो गई। तकरीबन अभी टाइम यहाँ का होगा 5 to 5:30 बज रहे होंगे, मगरब नहीं हुई अभी तक, लेकिन मौसम की वजह से टाइम ऐसा लग रहा है कि मगरब हो चुकी है। तो ज़बरदस्त, अभी जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, कैमरे की चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद रात को निकलेंगे यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए, देखते हैं, और सुबह का प्लान बनाते हैं सुबह कहाँ जाना है। यहाँ पे ज़बरदस्त जगह है, मेरा आपको मशवरा है कि अगर बाली नहीं जाते, जकार्ता अगर आप आते हैं ना, जकार्ता के करीब एरिया है सारा, ये भी गौर सिटी बहुत बड़ा है, यहाँ पे जंगल पार्क भी है, इसके अलावा आबशारें भी हैं, सब कुछ है। अगर जो मुझे टाइम मिला तो मैं आपको सारी जगह एक्सप्लोर कराऊँगा जाके। जी फ्रेंड, जनाब तो रात हो चुकी है, तकरीबन रात के बज रहे हैं 8, और बारिश अभी तक लगी हुई है, तकरीबन 3 घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है, लेकिन हल्की हल्की हो रही है। तो अभी हम बाहर गए थे, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद अभी हम यहाँ आए हैं वापस अपने होटल में, यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ की कोई फेमस डिश है उसको हम इंजॉय करेंगे अब, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चिकन है और ये जनाब एग्स और चावल के साथ हैं। बहादुर भाई ने पता नहीं कोई डिश बनवा ली है। बाकी ये टी वगैरह है यहाँ की, यहाँ के खाने का बड़ा प्रॉब्लम है,
पाकिस्तानी खाना मिलता नहीं है, बाकी ये विलेज है और विलेज में जो है ना, यहाँ पे जो है ना विलेज में बड़ा ये प्रॉब्लम है कि लोग समझते नहीं इंग्लिश को, इंग्लिश किसी को नहीं आती बाकी, और पैसे भी ठीक ठाक मान के ले लेते हैं हमसे, हमें अरब का समझते हैं, अरब के ये लोग समझते हैं हम कहीं अरब से आए हुए हैं, अमीर बंदे हैं और पैसे भी ठीक ठाक। शाम में मैंने चाय पी थी वहाँ, हमसे 50,000 रुपये ले लिए चाय के और एक सिगरेट की डब्बी मेरे फ्रेंड ने ली थी, 50,000 रुपये आप हिसाब कर लें फिर कितने होंगे। बाकी खाना अच्छा है लेकिन पैसे बहुत ले रहे हैं भाई। तो यहाँ पे असल में टूरिस्ट नहीं आते, टूरिस्ट एरिया नहीं है ये विलेज, आउट ऑफ टूरिस्ट है, जस्ट मकामी लोग रहने आते हैं इस होटल में, इसलिए शायद हो सकता है हमें देख के खुश भी होते हैं और उसके साथ पैसे भी अच्छे खासे ले लेते हैं। चलो देखते हैं, कल का दिन है फिर चलेंगे आगे।